समझते हैं, इसको एक्सप्लोर करते हैं। ये आपको दिख रहा है इस ग्रह के बारे में समझते हैं। देखो ये जो ग्रह है इसको हम लोग बोलते हैं पृथ्वी की जुड़वा बहन। क्या बोलते हैं? पृथ्वी की जुड़वा बहन। ये शुक्र है, याद रखिएगा हिंदी में शुक्र है ना, पृथ्वी की जुड़वा बहन है ना, ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ। अच्छा ये जो वीनस है इसका नाम वीनस क्यों पड़ा है? क्योंकि ये ग्रह बड़ा खूबसूरत लगता है, बड़ा खूबसूरत लगता है, और यूरोप में सुंदरता की जो देवी है उनका नाम है वीनस। क्या नाम है? वीनस, सुंदरता की देवी। तो ठीक है, तो इसका एक और उपनाम क्या हो गया? सुंदरता की देवी, गॉडेस ऑफ ब्यूटी, लिख लो सुंदरता की देवी, इसे सुंदरता की देवी कहा जाता है। तो इसके दो नाम हो गए, कौन कौन से? पहला होगा ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ और दूसरा हो गया गॉडेस ऑफ ब्यूटी, ठीक है, सुंदरता की देवी। ठीक है, अच्छा एक और चीज है, ये जो सूरज की परिक्रमा करता है, इसको सूरज की परिक्रमा करने में यानी इसको पूरा एक रिवॉल्विंग साइकिल पूरा करने में इसको 225 डेज लगते हैं। कितने दिनों का करता है? 225 दिनों में ये सूरज का पूरा चक्कर लगाता है। ठीक है, अच्छा एक और बात है, इसकी एक स्पेशलिटी और समझो जरा, हमारे पूरे सोलर सिस्टम में सूरज और चंद्रमा के बाद हमारा जो चंद्रमा है अर्थ का, ठीक है अर्थ का, बाकी दूसरे की नहीं, तो जो सूरज और चंद्रमा है इन दोनों के बाद जो सबसे चमकीला ग्रह है वो ये है, इसलिए इसका एक नाम और है चमकीला ग्रह। क्या नाम है? शाइनिंग प्लेनेट। बिल्कुल देख सकते हैं, ये हमेशा सूरज के बगल में दिखाई देगा। जब भी आप सूरज को देखेंगे तो सूरज के बगल में जो सबसे ज्यादा चमकता हुआ जो भी दिखाई दे वो शुक्र है। अच्छा बताओ तो शाम के टाइम पे ये कहां दिखाई देगा? पश्चिम में। शाम के टाइम पे कहां दिखाई देगा? क्यों? क्योंकि सूरज के बगलिया में रहता है, सूरज के बगल में रहता है। सूरज के बगल में नहीं रहता है, ये पृथ्वी से सूरज की जो दिशा है उस दिशा में दिखाई देगा, तो सूरज के बगल में दिखाई देगा ये हमेशा। तो बताओ सुबह टाइम पे कहां दिखाई देगा? पूर्व में। तो हमारी पृथ्वी से ये सुबह के टाइम पे पूर्व में दिखाई देता है और शाम के टाइम पे पश्चिम में, ठीक है, इसीलिए इसे भोर का तारा या सांझ का तारा कहते हैं। तो हमेशा नहीं दिख रहा होगा दिखेगा कभी कभी नहीं भी दिखता होगा, ठीक है। क्या बोला इसको? लिख लो ना इसको, भोर का तारा, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, इसे क्या क्या बोलेंगे? अच्छा बताओ इसकी रोटेशनल जो दिशा है वो अर्थ के अपोजिट है। अर्थ के क्या है? ये अपोजिट है, समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, पूर्व से पश्चिम, बाकी सब पश्चिम से पूर्व। आप इतना याद रखो जो घड़ी घूमती है ना वो पूर्व से पश्चिम जाती है, तो घड़ी के अपोजिट। तो इसे क्या बोलेंगे? सांझ का तारा या भोर का तारा। शाम को किधर दिखाई देगा? और सुबह को? क्यों? सूरज के पास रहता है। कहां रहता है ये सूरज? आप अगर जब भी देखो दिन में तो आप इसको इसलिए देख पाओगे क्योंकि सूरज ही नहीं दिखेगा, सूरज को देखोगे
तो फिर तुम बाकी कुछ नहीं देख पाओगे। थोड़ी आप सूरज को ऐसे करके देख लो, तुम थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है चकाचौंध हो गई, आंखें ही काली, वैसे लगता है कि गायब हो जाएंगी, ठीक है। तो इस वजह से दिखाई नहीं देता है, ठीक है। चलो, इसके वायुमंडल में, इसका जो वायुमंडल है वो बहुत अच्छा वायुमंडल है, क्योंकि 90% से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है। कितने परसेंट? देयर इज 90-95% कार्बन डाइऑक्साइड इन इट्स एटमोस्फेयर। इसके वातावरण में 90-95% कार्बन डाइऑक्साइड है, तो हम लोग बड़े गजब से सांस ले पाएंगे। अरे ले ही नहीं पाओगे सांस। अभी बताओ मुझे, अर्थ पे कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है? 0.00 समथिंग, कुछ 1%, ऐसा कुछ है ना। अगर ये थोड़ी बढ़ जाती है तो हमारी सांसें ऊपर नीचे हो जाती है ना। अब ये इतनी कार्बन, अच्छा मुझे एक बात बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड अगर वातावरण में बढ़ती है तो हीट वातावरण में बढ़ेगी, तो इसके में इतनी कार्बन डाइऑक्साइड है तो ग्रीन हाउस इफेक्ट सबसे ज्यादा कहां होगा? शुक्र पे होगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्योंकि कार्बन का स्वभाव क्या है? हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है ना। चलिए लिखेंगे, इसका भी कोई उपग्रह नहीं है, देयर इज नो सैटेलाइट। शायद इनके इसलिए कोई उपग्रह नहीं है क्योंकि ये सूरज के बहुत करीब है, तो इनके उपग्रह जो रहे होंगे उसको सूरज ने निगल लिया होगा, क्योंकि उपग्रह जो होता है वो ग्रह के ग्रेविटेशनल फोर्स से ग्रह के चक्कर लगाता है। अब जब ये सूरज के नजदीक आ जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि छोटे मोटे प्लैनेट्स को वो खींच लेगा, ठीक है। चलिए, इतनी बात क्लियर हो गई। इसका एक दिन हमारी पृथ्वी के 243 दिनों के बराबर होता है। हाँ, इसका एक दिन पृथ्वी के 243 दिनों के बराबर है, यानी हमारे अर्थ में जब तक 243 दिन 243 डेज हो जाते हैं तब इसका एक दिन होता है। बहुत लंबा, ठीक है। चलिए, अगला ग्रह आया है, बड़ा खूबसूरत ग्रह है। कौन सा है? पृथ्वी। ठीक है, तो बताओ भाई पृथ्वी कहां है इसमें? यह अर्थ है ना। अब लोग अर्थ पे पहुंचे, ठीक है। ये क्या है? अर्थ है। अभी हम इसके बारे में सामान्य चर्चा करेंगे, फिर इसकी तो चर्चा करनी ही है आगे, सबसे ज्यादा चर्चा तो इसकी होगी, ठीक है। तो अब सामान्य चर्चा करते हैं। यह आकार में पांचवें नंबर का ग्रह, पांचवें नंबर का बड़ा ग्रह है, ठीक है। इट इज फिफ्थ प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, सॉरी साइज, आयतन नहीं बोल रहा हूं, आकार। ठीक है, देखिए, यह अपने अक्ष पर एक्सेस पर 23/1/2 डिग्री झुका हुआ है। ये जो बात लिखवाई है ना, ये बात के बहुत बड़े बड़े प्रभाव पड़ेंगे, बहुत बड़े बड़े। हमारे ग्रह पर जो दिन और रात छोटे और बड़े होते हैं वो इसी कारण होते हैं। कैसे होते हैं बताऊंगा, ठीक है। पर ये अपने अक्ष पर ये होता, देखो ये सीधा है, क्या ये सीधा, ठीक है। ये ऐसा झुका हुआ है हल्का सा, कितना झुका है? 23.5, ठीक है, झुका हुआ है।
लिख लो। अब ये तो सब फालतू की बात है, सूर्य का परिक्रमा 365 दिनों में करता है, ये बातें लिखवानी चाहिए क्या? नहीं लिखवानी चाहिए, ठीक है। हाँ ये लिख लो, इसकी सूर्य से दूरी लगभग 15 करोड़ है। कितना, क्या लिख दूं? ये लिखो, इट इज इंक्लाइंड एट 23.5 ऑन इट्स एक्सिस, इंक्लाइंड है ना, हाँ, डिस्टेंस फ्रॉम द सन 15 करोड़ किलोमीटर अप्रोक्स। ये नहीं लिख पाए तो बोला तो मैंने अभी, लिखो इट इज इंक्लाइंड एट 23.5 ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है। इसकी कितनी दूरी है? 15 करोड़। इसका एक दिन 23 घंटे 56 मिनट का होता है। इट्स वन डे इज अप्रोक्स नहीं एग्जैक्ट 23 आवर्स एंड 56 मिनट है, 23 घंटे 56 मिनट का होता है, 56, 24 घंटे का नहीं होता पूरा दिन, कितने का होता है? 4 मिनट कम, और यही 4 मिनट इकट्ठे होते रहते और 2 दिन बन जाते हैं, और फरवरी में 2 दिन कम हो जाते हैं। हाँ एक दिन जो भी है, नहीं 2 दिन ही होता है, 28 की होती है ना फरवरी, 29 की तो हर 4 साल में होती है, ठीक है। चलो, इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है, इसे कौन सा ग्रह? नीला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, देखो 23 फरवरी 2017 के दिन एक न्यूज छपी थी नेचर नामक पत्रिका में, एक रिसर्च पेपर छपा था जिसमें नासा के वैज्ञानिकों ने दावा किया था कि उन्होंने अर्थ के जैसे 7 प्लेनेट और ढूंढे। कितने? 7। केवल याद रखो, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। 2017 में नासा के वैज्ञानिकों ने, या ये भी छोड़ दो, आप तो सिर्फ इतना याद रखो, नासा के वैज्ञानिक ने पृथ्वी जैसे कुछ 7 ग्रह ढूंढे जो उनको पता लगे, पृथ्वी जैसे हाँ जहां पे जीवन संभव है, सौर मंडल में नहीं है। सौर मंडल में नया ग्रह कैसे ढूंढोगे? सौर मंडल में तो 8 टोटली ग्रह हैं, और जिसमें से कुछ ग्रह तो ऐसे हैं, आप जो अब बुध पे तो कतई जीवन संभव नहीं है, शुक्र पे भी नहीं है, क्यों? 90% कार्बन डाइऑक्साइड है। शुक्र का टेम्परेचर कितना होता है? 500-600 डिग्री सेल्सियस होता है। 500 डिग्री सेल्सियस में कौन रहेगा? रह नहीं पाएगा। यहां अभी 50 डिग्री सेल्सियस हो जाए, अर्थ का हाईएस्ट टेम्परेचर है 58 डिग्री सेल्सियस, 58 अल अजीजिया अफ्रीका में, अल अजीजिया। अब अल अजीजिया में अगर 58 डिग्री में देखो तो आप ऐसे हाथ बाहर निकालो ना घर से तो ऐसा काला होता हुआ चलेगा। अल अजीजिया में लोग बाग रोटियां कैसे सेकते हैं? बाहर वो पत्थर डाल रखा है उस पर रोटियां सेक लेते, इतना टेम्परेचर हो जाता है, कोई बाहर ही नहीं निकलता दिन में, बाहर ही नहीं निकलता। आप अंदाजा लगाइए, ये हाईएस्ट कंडीशन है। और अभी अगर आपको 100 डिग्री सेल्सियस वाली जगह पे पहुंचा दिया जाए तो फिर आप उसके बाद सीधा बर्निंग वार्ड में पहुंचोगे। कहां जाओगे बताओ? चलिए हेड डालेंगे, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू अर्थ, पृथ्वी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। पृथ्वी की आकृति जियोड है, जियोड जियोड मतलब क्या होता है? नहीं, सोनी भैया है क्या? अरे आरती, वो ग्लोब उठा के ला,
पृथ्वी की आकृति जियोड है, जियोड प्रत्यक्ष लब्धाकार बोलते हैं उसको हिंदी में, पर जियोड याद रखो आप इसको ऐसे समझो, आप लड्डू बनाओ, उबड़ खाबड़ नहीं बोलते उसको, ये है पूरा गोला, ये गलत बनी है पृथ्वी, ये जो इसमें पृथ्वी है ये गलत है, ऐसी नहीं है पृथ्वी। आप एक फुटबॉल लो, क्या लो, फुटबॉल, फुटबॉल में अच्छी हवा भरो, बढ़िया फूक फूक के पूरी हवा भर दो, पूरा फुला दो उसको, इधर समझो, फुटबॉल लो, फुटबॉल में पूरी हवा भर दो, हवा भर के उसको रखो आप और पांव से दबाओ, अब उसकी जो आकृति बनेगी ना वो है लब्धाकार। हाँ समझ में आएगी, नहीं नहीं बाटिया गलत, बाटिया नहीं, बहुत हल्का सा दबाओ बाटी चपटी हो जाती है, हल्की सी, बिल्कुल हल्की सी, मतलब आप बहुत अच्छी हवा भरी हो जिस फुटबॉल में, हाँ थोड़ा ओवल शेप नहीं बोलेंगे उसको, क्योंकि ओवल शेप होती तो ओवल लिखते हैं, उसको जियोड लिखा है, इट मींस दैट कि ये हल्की सी चपटी है, बहुत हल्की सी, आपको देखने पे लगेगा गोल है पर ये गोल नहीं है, ठीक है, ये क्लियर हुई बात, कोई दिक्कत है? अक्ष समतल देखो, इसके अक्ष देखो, एक अक्ष ये है और दूसरा अक्ष कहाँ है, ये है, दिख रहा है आपको, तो तिरछी है ना अक्ष, ठीक है, ये है 23.5 डिग्री का झुका, ठीक है, चल नेक्स्ट पॉइंट है, इसका अक्ष ध्रुवीय व्यास एक्सिस पोलर डायमीटर, अक्ष ध्रुवीय व्यास 12714 है डायमीटर, आपसे क्वेश्चन पूछूंगा अभी मैं, कितना है किलोमीटर, ठीक है, मतलब क्या हुआ, इधर देखो सब लोग, अगर इसमें एक सरिया सरस्वती, अगर इसमें एक सरिया आप एक्सिस से, ये क्या हो गया, अरे हाँ, अगर इसमें आप एक सरिया, ये सरिया देखो, केसरिया, ये तार है, ये तार और ये तार है, इधर वाला तार, जो दोनों तार दिख रहे हैं आपको, एक नीचे वाला और ये किए ऊपर वाला, अगर इसको नापोगे आप, ये पूरा इसके अंदर डाल रखा है आपने, इसको अगर नापोगे तो इसकी लंबाई निकलेगी 12714, कितनी निकलेगी 12714, यानी आपने एक सरिया इधर ध्रुव से घुसाया और ये दूसरे वाले, ये बीच में मुड़ गया थोड़ा सा, दूसरे वाले ध्रुव पर निकाला तो जो दूरी आएगी वो कितनी आएगी, 12714, कुछ नहीं ध्रुवी का, नहीं अक्ष ध्रुवी का मतलब होता है एक अक्ष से सरिया डालो दूसरे अक्ष पे निकालो, फ्रॉम वन एक्सिस, फ्रॉम साउथ एक्सिस, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, मतलब एक इतना बड़ा सरिया दो आप के नॉर्थ पोल से पृथ्वी के अंदर घुसाओ और बीचों बीच पृथ्वी से के घुसते हुए वो नॉर्थ पोल पर जाके निकले तो उसकी जो डिस्टेंस होगी वो होगी 12714, क्लियर है, कोई तकलीफ है, ठीक है। अब देखो आप दूसरा सरिया लो, बताऊंगा बताऊंगा अभी, जैसे जैसे समय आएगा वो भी चीजें बताऊंगा कैसे नापा। अब आप एक और सरिया लो और बिल्कुल पृथ्वी के भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा से आप इसको ऐसे घुसा दो और इधर निकाल दो तो ये जो निकलेगा, ये निकलेगा 12756, कितना निकलेगा, है ना, भूमध्य रेखीय व्यास, भूमध्य रेखीय इक्वेटोरियल इक्वेटर डायमीटर, इसका भूमध्य रेखा कितना है 12756 किलोमीटर। अच्छा बताओ एक्सिस का डायमीटर
और भूमध्य रेखा का डायमीटर कितना अंतर है? 42 किलोमीटर। मतलब ये जो इसको चपटा किया गया है वो 42 किलोमीटर चपटी हुई है। समझ में आई बात की नहीं आ गई? अब क्लियर हो गया कितनी टिल्टेड है ना, बहुत हल्की सी, माइनर है, बिल्कुल माइनर है पर चपटी है। ये वाली कितनी है? 12714। ये वाली कितनी है? ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं तुमको इसलिए बोल रहा हूँ ये, हाँ इसलिए इनको हल्के में मत लेना कतई। ऐसे ही व्यास पूछ रही है और दोनों ऑप्शन में नहीं। यूपीएससी वाले इतना भांग भी नहीं खाते। एक ही पूछेगा, एक ही रहेगा, ठीक है? इतनी बात, हाँ बस बस ठीक है, आ जाओ। चलिए एक और बात समझिए जरा, इसकी ध्रुवीय परिधि ऐसा लिखेंगे, ध्रुवीय परिधि, पोलर सर्कमफ्रेंसेस, इसकी ध्रुवीय परिधि 40,008 किलोमीटर है। ध्रुवीय परिधि कितनी है? 40,008 किलोमीटर। अब क्या होता है पोलर सर्कमफ्रेंसेस? देखो इधर देखो, आप इस ध्रुव पे खड़े हो जाओ, इस ध्रुव पे है ना निहारिका, तुम इस ध्रुव पे खड़ी हो और तुमने भागना शुरू किया, देद दनादन भागते चली जा रही, भागते चली जा रही, और पूरा इस ध्रुव को पार किया इस ध्रुव पे, फिर भागते गए, इस ध्रुव पे पहुंच गए, तो तुम्हारे द्वारा जो डिस्टेंस चली गई होगी वो कितनी होगी? 40,008 किलोमीटर, अगर इतना भाग पाई तुम तो। समझ में आई बात कि नहीं आई? यानी एक ध्रुव से आप भागना शुरू करो अर्थ पे और इसके गोल 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 चक्कर लगाते हुए आप वापस उसी ध्रुव पे पहुंच जाओ तो ये जो डिस्टेंस होगी ये कितनी होगी? 40,008 किलोमीटर, ठीक है? अच्छा दूसरा लिखो, विषुवत रेखीय या भूमध्य रेखीय परिधि, इक्वेटर सर्कमफ्रेंसेस, इक्वेटर सर्कमफ्रेंसेस 40,075 किलोमीटर। मतलब क्या हुआ? इधर देखो, अब क्या हुआ, ये है इक्वेटर भूमध्य रेखा, आप इक्वेटर पे एक पॉइंट से भागना शुरू करो और भागते जाओ पूरे इक्वेटर पे ही भागते उसी पॉइंट पे वापस आ जाओ तो आप जो डिस्टेंस चलोगे वो कितनी होगी? कोई दिक्कत इसमें? कितनी ज्यादा है? 67। तो अब ये समझ में आ गया कि अर्थ जो है वो ऐसे की अपेक्षा ऐसे में थोड़ी मोटी है, यानी बीच से थोड़ी मोटी है। अब बताओ बाटी बनाते हैं उसको ऐसे में नापोगे तो छोटी निकलेगी और बीच से नापोगे तो मोटी, या फुटबॉल को जिसको आपने दबाया था वो बीच से आपको ज्यादा दिखेगी और ऐसे वाले में आपको कम दिखेगी। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ये क्लियर हुआ? ये पूछे हुए क्वेश्चन है भाई साहब, इसलिए इस पे थोड़ा सा ज्यादा हमें फोकस करो। इसका इसलिए है, ये आपके अर्थ के अंदर से जा रहा है, अंदर से सो शॉर्ट है, और ये आपके ऊपर से जा रहा है परिधि से, ठीक है? ठीक है चलिए लिखेंगे अगला पॉइंट। इसका जलीय भाग है 71%, है ना, वाटर पार्ट 71%। नेक्स्ट है देखो, इसका परिभ्रमण काल परिभ्रमण मतलब की रोटेशनल टाइम अपनी ऐसा चक्कर है ना, ये
ठीक है, ये वाली जो दूरी है ये कितनी है, ये जो टाइम है ये है 23 घंटे 26 मिनट 4 सेकंड, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, हाँ 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड, मतलब ये अपनी खुद की चक्कर कितनी देर में लगा लेती है, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड, ठीक है। अच्छा अगला है परिक्रमण काल, रिवॉल्विंग टाइम 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 48 मिनट एंड 46 सेकंड, ठीक है। परिक्रमण वेग, परिक्रमण वेग 29.8 किलोमीटर पर सेकंड, है ना, परिक्रमण वेग यानी कि रोटेशनल वेलोसिटी, रोटेशनल वेलोसिटी 1 सेकंड में 29.8 किलोमीटर चली जाती है। हाँ, सूर्य का चक्कर लगाने के लिए कितने किलोमीटर जाती है 1 सेकंड में 29.8 किलोमीटर, मतलब 30 किलोमीटर 1 सेकंड में जाती है, और पूरे साल में ये 96 करोड़ किलोमीटर का सफर तय करती है सूर्य का एक चक्कर लगाने में, 29.8 किलोमीटर पर सेकंड, पूरे वर्ष में 96 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करती है तब, हाँ 96 करोड़ किलोमीटर की डिस्टेंस तय करती है तब जाके सूर्य का एक चक्कर लगता है किलोमीटर। ठीक है, अब समझो जरा, देखो ये है सन, किसका है ये मत पूछना, ये सन है। पृथ्वी जब सूरज का चक्कर लगाती है तो कुछ ऐसे लगाती है, ये थोड़ा सा, ठीक है, ये है पृथ्वी, मैं पृथ्वी की 4 कंडीशन बना रहा हूं, बताओ इन 4 कंडीशन में पृथ्वी 2 बार सूरज से सबसे ज्यादा दूर होगी और 2 बार सूरज से सबसे ज्यादा नजदीक होगी, आया ना, तो जब पृथ्वी सूरज से नजदीक होती है, नजदीक है ना, उपसौर बोलते हैं हिंदी में, उसको तो मैं अलग से पढ़ाऊंगा अभी, तो जब नजदीक होती है तो इसकी दूरी होती है 14.70 करोड़ किलोमीटर, कितनी होती है 14.70 करोड़ किलोमीटर, ठीक है, और जब ये सबसे ज्यादा दूर होती है तब इसकी दूरी होती है 15.21 करोड़ किलोमीटर। जब अर्थ सन के नियरेस्ट पॉइंट पे होती है तो उसकी डिस्टेंस होती है 14.60 करोड़ किलोमीटर, हाँ अर्थ सन के नियरेस्ट है, और जब सन अर्थ सन के फॉरेस्ट सबसे ज्यादा दूर वाले पॉइंट पे होती है, फॉरेस्ट पॉइंट पे होती है, तब इसकी डिस्टेंस कितनी होती है 15.21 करोड़, ठीक है। इट मींस दैट क्या हुआ कि ये गोलाई में चक्कर नहीं लगा रही है, ये पैराबोलिक, क्योंकि एक जगह डिस्टेंस ज्यादा हो ना, है ना, तो कैसा रास्ते पर लगा रही है, पैराबोलिक रास्ते पर, है ना, क्या बोलते हैं उसको पैराबोलिक को हिंदी में, दीर्घवृत्ताकार, ठीक है, नहीं है यार,
आ गया, तो बस इसको ऐसे बना ले, ठीक है, और यहां पर लिख ले फॉरेस्ट, फॉरेस्ट पॉइंट और नियरेस्ट पॉइंट, ठीक है। पिछले बार के प्री में पूछा गया क्वेश्चन है शायद कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है, पिछली बार पूछा गया था ये क्वेश्चन, क्या कभी तो पूछा गया, एक दो साल में पूछा गया है, क्योंकि आधे ऐसा, ठीक है, लिख लो। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लेता है, है? लाइट कम फ्रॉम द सन टू द अर्थ इन 8 मिनट एंड 16 सेकंड है, 8 मिनट और 20 सेकंड का समय, क्लियर है, कोई तकलीफ? चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी 384,000 किलोमीटर है ना, ये चंद्रमा है, चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी कितनी है, 384,000 किलोमीटर, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम द 384,000 384,000 किलोमीटर, ठीक है। पृथ्वी का जो हाईएस्ट पीक पॉइंट है, अर्थ का जो सबसे ऊंचा पॉइंट है, ऊंचा पॉइंट वो है माउंट एवरेस्ट, ठीक है, अर्थ का सबसे ऊंचा पॉइंट, ऊंचा वो है माउंट एवरेस्ट, और उसकी ऊंचाई है 8852 मीटर, 8852 मीटर, पढ़ गया, न्यू रिसर्च है, 8848 तो बोला जाता है, पर अभी चाइना का शोध आया एक, मैं 8852 बताया, हाँ, यानी अर्थ का जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम क्या है, माउंट एवरेस्ट, ठीक है, और उसकी डिस्टेंस कितनी है फ्रॉम द सी वाटर लेवल, है ना, समुद्र तल से उसकी डिस्टेंस कितनी है, 8852 मीटर। तेरे को समझ में नहीं आया क्या, क्या समझ, अरे बेटा तो 3 बार 4 बार बोलता हूं मैं, जितना लिख ले उसके बाद पेन उधर ही रोक के रखा कर, दोहराएगा जरूर मैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं 3 बार 4 बार से कम बोलूं एक बात को, ठीक है, हाँ क्या बोल रहे थे, नहीं 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 नहीं, अभी हम उस पर बात करेंगे। तो अर्थ का हाईएस्ट पॉइंट क्या है, माउंट एवरेस्ट, हाईएस्ट पॉइंट लिखो, डैश लगाओ, माउंट एवरेस्ट लिखो, और ब्रैकेट में उसमें लिख लो 8852 मीटर, ठीक है। अब हम कैसे नापते हैं इसको, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं, देखो ये है समुद्र, ठीक है, अब यहां पर एक पीक, एक पॉइंट है यहां पर जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, नेपाल में है, कहां पर है, नेपाल में। तो अब हम क्या करेंगे, जो सी का वाटर लेवल है यानी समुद्र में जो ऊपरी परत है पानी की, वहां से चेक करते हैं कि पहाड़ कितना ऊंचा है, ठीक है, तो वो कितना है, समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, 8852 मीटर, यानी लगभग 8.5 किलोमीटर, समुद्र तल का जो लेवल है वो भी तो हर जगह अलग होता है, 101% होता है अलग, पर एक कॉमन मान करके चला जाता है, उससे हम लोग सब जगह के डिस्टेंस, हाँ, जो समतल बनेगा वो एक मानक मान लिया है, उससे हम लोग मान करके चलते हैं, ठीक है। अच्छा, डीपेस्ट पॉइंट है ना, सबसे गहरा बिंदु, डीपेस्ट पॉइंट, डैश लगाओ और लिखो मारियाना ट्रेंच, कौन सा है, मारियाना ट्रेंच, मारियाना, हाँ
मारियाला ट्रेंच ट्रेंच या गर्त लिख लो तुम गर्त मारियाला गर्त ठीक है मारियाना ट्रेंच 11920 मीटर 11920 मीटर 11920 मीटर ठीक है मतलब क्या हुआ हाँ ये पैसिफिक ओशियन में है लिख लो ब्रैकेट में ये प्रशांत महासागर में ठीक है यानी क्या हुआ इधर समझो सब लोग ये जो पैसिफिक ओशियन है यानी प्रशांत महासागर है उसमें एक ऐसा गहरा पॉइंट है जिसकी गहराई है 11920 मीटर मतलब 11 किलोमीटर गहरा है लगभग 12 किलोमीटर ठीक है माउंट एवरेस्ट डूब जाएगा उसके बाद भी 2.5 किलोमीटर का गैप बचेगा समझ में आ रही बात की नहीं आ रही तो महाखड्ड है ये क्या है ये हाँ अच्छा इसके सबसे गहरे बिंदु तक कोई नहीं जा सकता क्यों नहीं जा सकता क्योंकि समुद्र के पानी का प्रेशर जब पड़ता है तो आपके शरीर की नसें फट जाएंगी स्विमिंग कॉस्ट्यूम लेकर के जाते हैं वो प्रेशर झेलने में कैपेबल